नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज मैं मेरे साथी प्रणव झा जी, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर संजीव जी, आपके सामने इस देश की जो बिगड़ती, लड़खड़ाती, डूबती अर्थव्यवस्था है उस पर चर्चा करने आए हैं। इससे पहले कि मेरे साथी प्रोफेसर गौरव वल्लभ आंकड़ों पे आधारित अपनी स्पष्ट बात रखें, मैं दो तीन मुद्दे और इस मंच से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार से दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। हिंदी की एक कहावत है, मैं इन गंगोर अंधेरों को उजाला कैसे कहूं, मैं इन गंगोर अंधेरों को उजाला कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाश भी नहीं। इसी सोच से, इसी नजरिए से 4 जून 2019 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौजूदा केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया था, गुजारिश की थी कि सरकार इतना बड़ा बहुमत इस डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने में और सुधारने में इसका उपयोग करे, पर ये सरकार, ये गूंगी भैरी सरकार पे कोई असर नहीं हुआ। आज सिमटता व्यापार, डूबती अर्थव्यवस्था, लाचार अर्थव्यवस्था इस देश का सत्य है। कहानियों में पढ़ा था कि जब कुंभकर्ण सो जाता था तो नगाड़े बजाने पड़ते थे उसको उठाने के लिए, पर फिर भी वो नींद से नहीं उठता था और कई बार शायद उठ भी जाता था। यही भाजपा सरकार की आज वास्तविकता है। आज अर्थव्यवस्था लाचार है, सिमटता व्यापार है और बढ़ती बेरोजगार है, पर नहीं उठ रही है कुंभकर्ण की बीजेपी की सरकार है। द बीजेपी गवर्नमेंट इज इन डीप स्लंबर एंड स्लीपिंग लाइक अ कुंभकर्ण while the economy is in coma. The BJP government is refusing to administer the dose of treatment to a dying economy and is still busy in celebration or campaign mode. Bharatiya Janata Party ab bhi jashn aur chunav prachar ke mode mein hai aur kaam ke mode mein nahi hai. BJP should come out of the campaign mode and start on a corrective mode to save this sinking economy. The RBI has red flagged that the economy is sinking. Sinking economy, shrinking savings, closing businesses, evaporating jobs is a sad state of Indian economy, but the BJP is refusing to acknowledge that. Before Mr. Gaurav gives you the facts, the crux of the Indian economy can be summarized by this, that the bank frauds have increased by 71%, 74% to be precise. The GDP has fallen at a 5-year low. Industries like Parle Ji and auto industries are dissolving like a biscuit in a teacup. Jobs are evaporating faster than acetone. But BJP is behaving like a thick-skinned government, completely insensitive, aloof to the fatal crash we are headed towards. कहा जाता है कि वो डॉक्टर सबसे खतरनाक होता है जो बीमारी को अनदेखा कर दे और ये समझने के बावजूद उसको इलाज चाहिए, किसी बीमार शरीर को एक स्वस्थ शरीर घोषित कर दे। गृहमंत्री अमित शाह जी का बयान आया है थर्सडे को, द इंडियन इकॉनमी इज फास्ट ग्रोइंग विथ 7% ग्रोथ। श्रीमती निर्मला सीतारमन इज डिक्लेयर्ड दैट द इंडियन इकॉनमी इज ग्रोइंग एज फास्ट एज यूनाइटेड स्टेट्स इन चाइना। श्री जेपी नड्डा, द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी,
has declared that the Congress has no right to question the BJP government on economy. So today, BJP is busy in window dressing rather than addressing the grave economic concerns, the grave economic crisis facing the country. आज अर्थव्यवस्था त्रस्त है और भाजपा लीपापोती में व्यस्त है, यह इस बात का सत्य है। और बिना किसी झिझक के मैं इसी मंच से कहना चाहता हूं कि भाजपा का यह रवैया कि डूबती अर्थव्यवस्था को अनदेखा कर देना देशद्रोह है। बीजेपी इज डिपिक्टिंग एंटी नेशनल बिहेवियर बाय रिफ्यूजिंग टू एड्रेस the deepening, worsening economic crisis of the country. The BJP government is busy attacking the opposition rather than curing the economy. Nirmala Sitaraman ji ka bayan aaya ke UPA ke dauran arthavyavastha bahut kharab thi, wo kaun hote hain poochne wale. With utmost responsibility as a responsible opposition, I want to urge from this platform that the BJP government should direct their anger, their frustration with the Congress towards curing the economy. इस लाचार अर्थव्यवस्था का इलाज विपक्ष पे वार करना नहीं, इस बीमार शरीर को स्वस्थ करना है। अर्थव्यवस्था लाचार है और केंद्रीय सरकार विपक्ष पे वार करने में व्यस्त है। ये गुस्सा, ये आक्रोश निर्मला सीतारमन जी अर्थव्यवस्था को सुधारने में दिखाइए। एंड लास्ट, मिस्टर जेपी नड्डा एंड निर्मला सीतारमन इज बिजी लेबलिंग कांग्रेस एज अ फेल्ड गवर्नमेंट रादर देन लुकिंग देमसेल्व्स। दे फॉरगेट डॉक्टर मनमोहन सिंह ट्रीटेड द इंडियन इकॉनमी लाइक अ डॉक्टर। PM is treating the Indian economy like a circus. UPA सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था का इलाज एक अच्छे डॉक्टर की तरह किया और भाजपा इस अर्थव्यवस्था को एक सर्कस का खेल समझ के उलट फेर कर रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से तीन स्पष्ट मांगे हैं। पहली, फाइनेंशियल नेशनल इमरजेंसी शुड बी डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। इस देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी संविधान के अनुसार घोषित कर देनी चाहिए। दूसरी, द बीजेपी गवर्नमेंट, वी रिपीट, शुड रिलीज अ व्हाइट पेपर ऑन सिंकिंग इकॉनमी एंड राइजिंग बैंक फ्रॉड्स। एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए डूबती अर्थव्यवस्था और बढ़ते बैंक फ्रॉडों पे। और आखिरी, द बीजेपी गवर्नमेंट शुड अबाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द CIC एंड सुप्रीम कोर्ट एंड डिक्लेयर द नेम ऑफ द विलफुल डिफॉल्टर्स। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, CIC के आदेश के अनुसार, उन सब भगौड़ों का, विलफुल डिफॉल्टर्स का, NPS का नाम की घोषणा करे। क्यों झिझक है भाजपा को, किस बात का डर और भय है कि कौन सी सानगार्ड, कौन सी जुगलबंदी इनकी पकड़ी जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट और CIC के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम घोषित कर दिया जाएगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हम आंकड़े गिना रहे हैं और वो 100 जिनके जश्न की बात कर रही है। अंतर ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पीपल्स एजेंडा की बात करती है, जनता के एजेंडा की बात करती है, और भाजपा केवल प्रोपोगेंडा की बात करती है। कांग्रेस एक विजन वाली विपक्ष है और भाजपा एक टेलीविजन वाली सरकार है, ये अंतर है। वो जश्न में पैसे वेस्ट करें और इधर जितने पैसे सरकार 100 दिन के जश्न पे, विज्ञापन पे, प्रचार पे लगा रही है, उतने पैसे ये जो बंद होते कारखाने हैं जिनसे हजारों लाखों नौकरियां जा रही हैं उनको दे दे तो शायद कोई सुधार हो जाए।